हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा डिसाइड हुआ था, आज से हम लोग अपना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाला कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और आज इस फर्स्ट लेक्चर में आई विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू NLP। इंट्रोडक्शन पे पूरा लेक्चर क्यों है, बहुत सिंपल सी बात है। NLP एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है और मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी डिफ़िकल्ट टॉपिक पढ़ने वाले हो तो उसको अप्रोच करने के पहले उसका एक ओवरव्यू लेना चाहिए, ठीक है। उस लेफ्ट राइट सेंटर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप देख लो और उसके बाद फिर जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको कवर करो। दैट इज़ वाई मैंने बहुत डिटेल में डिसाइड किया है कि आपको NLP का एक अच्छा इंट्रोडक्शन दूंगा। क्या क्या पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, वी विल स्टार्ट विथ द सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ NLP क्या होता है और NLP की ज़रूरत क्यों है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि NLP आज के रेट में किस तरह के एप्लीकेशंस में यूज़ हो रहा है और फिर हम देखेंगे कि कुछ कॉमन NLP टास्क क्या हैं। उसके बाद मैं एक और टॉपिक कवर करूँगा जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि ये जो NLP एप्लीकेशंस हैं इनको बनाने के लिए किस तरह के अप्रोचेस आज तक यूज़ हुए हैं। और लास्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और देखेंगे कि NLP के सामने आज की रेट में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं जो NLP को रोके हुए हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आपके पास एक ओपिनियन फॉर्म होगा NLP को लेकर के, जो आपको आगे के वीडियोस में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो मेरा आपसे दो रिक्वेस्ट है। पहला रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो को एंड टू एंड देखना अगर आप सीरियस हो इस पूरे कोर्स को लेकर के। और सेकेंड रिक्वेस्ट ये है कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक असाइनमेंट दूंगा। मैं आपको हर वीडियो के एंड में एक असाइनमेंट दूंगा एटलीस्ट, बट इसके एंड में भी एक असाइनमेंट मिलेगा आपको, आप वो असाइनमेंट कंप्लीट करना, ठीक है। सो अब और बात नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि NLP होता क्या है और उसकी क्या ज़रूरत है। तो ये डेफिनेशन मैंने विकिपीडिया से उठाया है, तो आई एम अज्यूमिंग कि इट्स करेक्ट। एक बार इसको रीड आउट करते हैं बिकॉज सही लगा मुझे डेफिनेशन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसर्न्ड विद द इंटरैक्शंस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज, इन पर्टिकुलर हाउ टू प्रोग्राम कंप्यूटर्स टू प्रोसेस एंड एनालाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज डेटा। सो अगर आप ये डायग्राम देखो राइट साइड में, तो यहाँ पर आप देखोगे कि NLP एक ऐसा फील्ड है जो तीन फील्ड्स को मिला के बनाए, ठीक है। सबसे पहली जो फील्ड है वो है ह्यूमन लैंग्वेज, जिसको आप लिंग्विस्टिक्स बोलते हो, लैंग्वेजेस की पढ़ाई। सेकंड इज कंप्यूटर साइंस, जिससे हम सब थोड़े अवेयर हैं, और थर्ड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन तीनों को मिला करके NLP बना है। और NLP का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो गोल है वो है मशीन्स को नेचुरल लैंग्वेज सिखा पाना, ठीक है। द आइडिया इज कि नॉट ओनली मशीन्स नेचुरल लैंग्वेज समझ पाए बट कि उसमें कम्युनिकेट भी कर पाए, मतलब हम भी जब बोले कुछ तो उनको समझ में आए और जब वो भी कुछ पलट के बोले तो वो नेचुरल लैंग्वेज में ही हो, ठीक है। तो दैट इज द होल आइडिया। दिस फील्ड इज क्वाइट न्यू, पिछले 50 सालों में ही इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ है और अब पिछले 10 सालों में बहुत ग्रोथ मिला है, स्पेशली जब से डीप लर्निंग आया तब से ये फील्ड और ज्यादा ब्लूम करने लग गया है, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज दिस कि ये फील्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। ये हमें समझने की जरूरत है कि NLP का इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर NLP। अब ये नीड समझने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझो कि नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। सो अगेन मैंने नेचुरल लैंग्वेज का एक डेफिनेशन निकाला है विकिपीडिया से, आई विल क्विकली शो यू। सो द डेफिनेशन इज, इन न्यूरोसाइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स एंड फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, अ नेचुरल लैंग्वेज और ऑर्डिनरी लैंग्वेज इज एनी लैंग्वेज दैट हैज इवॉल्व्ड नेचुरली इन ह्यूमंस थ्रू द यूज एंड रेपिटेशन विदाउट कॉन्शियस प्लानिंग और प्री मेडिटेशन, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स, इट कैन बी स्पीच और साइन। They are distinguished from constructed and formal language such as those used to program computers or to study logic. So natural language क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है। इस definition के according humans बहुत सालों से evolve कर रहे हैं, तो अगर हमने एक दूसरे के साथ communicate करने का कुछ तरीका निकाला और सालों साल उसको improve किया तो वही इवेंचुअली लैंग्वेज बन जाता है। लैंग्वेज आप स्पीच के थ्रू भी बोल सकते हो, साइंस के थ्रू भी बोल सकते हो, जैसे वो
आपने देखा होगा कुछ न्यूज चैनल्स पे आप साइन लैंग्वेज के थ्रू भी वो न्यूज वगैरह बताते हैं, ठीक है। और ये जो नेचुरल लैंग्वेज होता है ये अलग होता है कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेजेस से, जैसे कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जावा पाइथन, इनसे बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मैंने ये क्यों बताया आपको ये डेफिनेशन नेचुरल लैंग्वेज का, बिकॉज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एनएलपी की जरूरत क्यों है, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी कहानी के टर्म यूज करके मैं आपको समझाता हूँ कि एनएलपी क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री थोड़ा भी पढ़ो या ह्यूमन इवोल्यूशन थोड़ा भी पढ़ो तो यू वुड नोटिस कि हम शुरू में मिलियंस ऑफ इयर्स पहले की बात है बाकी जानवरों की तरह ही थे, ठीक है। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो बाकी जानवरों की तरह ही जंगल में रहते थे और बहुत नॉर्मल जानवरों वाली लाइफ स्पेंड करते थे। बट फास्ट फॉरवर्ड मिलियन ईयर्स हम बहुत ज्यादा इवॉल्व कर गए, आज की डेट में हम स्पेस में जा रहे हैं, वेयर एज अगर आप बाकी जानवरों को देखो तो वो अभी भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या किया हमने डिफरेंटली कि हम इतना आगे निकल गए। अगर आप मुझसे पूछो तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मुझे लगते हैं उनमें से पहला फैक्टर ये है, पहला फैक्टर है कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, ठीक है। हमने जो भी कुछ अचीव किया ना उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि हम एक दूसरे से बात कर पाए, एक दूसरे को अपना आइडिया समझा पाए, ठीक है। बुक्स आई और बहुत सारे टीचर्स आए और उन्होंने बहुत सारी चीजें पास ऑन की अगले जनरेशन में, हमने पिछले जनरेशन की चीजें पढ़ के और आगे मूव किया, तो दैट इज हाउ आवर इवोल्यूशन हैज हैपेंड, ठीक है। तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन ये वो चीज है जिसने हमें ग्रोथ के रास्ते पे डाला, ठीक है। अब अगर आप पूछो कि सेकेंड फैक्टर क्या है जिसने हमें बहुत आगे बढ़ाया, तो आई वुड से सेकेंड फैक्टर है मशीन्स। अगर आप देखो 300-400 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और उसके बाद से हमारा जो इवोल्यूशन है वो पूरा एक्सक्लरेट कर गया, बहुत तेजी से बढ़ने लग गया, हम हर डोमेन में मशीन्स ले आए और आज की डेट में अगर आप देखो वही मशीन्स और इंटरनेट ये सब कुछ मिल करके हमें कितना आगे ले आए हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि एक थर्ड रिवॉल्यूशन, एक थर्ड फैक्टर अभी भी आना बाकी है, और वो है कि जब हम मशीन्स के साथ बिल्कुल वैसे ही बातचीत कर पाएंगे जैसे हम अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स के साथ करते हैं, ठीक है। आज की रेट में भी अगर आप मशीन्स की बात करो तो उनसे बात करना उतना इजी नहीं है। जब शुरू की मशीन्स थी तो उनको चलाने के लिए आप मैकेनिकल चीजें यूज करते थे जैसे लीवर्स एंड ऑल, फिर इलेक्ट्रॉनिक जब मशीन्स आई तो आप स्विचेस यूज करने लग गए, अब जब कंप्यूटर साइंस का जमाना आया तो आप उनको प्रोग्राम करने लग गए, बट ये प्रोग्राम भी सभी लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स होते हैं जो इन मशीन को प्रोग्राम करते हैं। क्या एक नॉर्मल आदमी आज भी मशीन को उतने अच्छे से चला सकता है? नहीं। आज भी अगर आपको अपने स्मार्टफोन को चलाना है तो आपको हाथों से इशारा देना पड़ता है, राइट। नाउ इमेजिन अ वर्ल्ड जहां पर आप किसी भी मशीन के साथ बिल्कुल इजीली ऐसे बात कर पाओ जैसे आप किसी ह्यूमन बीइंग के साथ बात कर रहे हो, तो सोचो कि वहां पे हमारा जो प्रोग्रेस होगा वो कितना फास्ट पेस्ड होगा, ठीक है। इमेजिन आप एक एटीएम मशीन में खड़े हो और एक बूढ़ा आदमी वहां पे पैसे निकालने के लिए आता है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि इंटरफेस क्या है, वो सिंपली उससे पूछ सकता है कि हाँ भाई बताओ मुझे आपको कैसे चलाना है, और मशीन सामने से बोल रहा है कि वो बटन प्रेस कर दो और पूरा का पूरा वो समझा रहा है जैसे कि एक ह्यूमन बींग से बात हो रही है, ठीक है। तो दैट इज द नेक्स्ट फ्रंटियर, हमारा जो ग्रोथ है हमारा जो इवोल्यूशन है उसका नेक्स्ट फ्रंटियर ये है कि हम अपनी मशीन्स के साथ बिल्कुल वैसे बात करें जैसे हम किसी और ह्यूमन बींग के साथ बात करते हैं, और फिर आप देखोगे कि हम और ज्यादा इवॉल्व कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि अभी कुछ ग्रोथ नहीं है या अभी हम मशीन्स के साथ उतना बात नहीं कर पाते, गूगल नाउ का एग्जाम्पल ले लो, सीरी का एग्जाम्पल ले लो, कॉटाना का एग्जाम्पल ले लो, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम मशीन्स के साथ बात करने का ट्राई कर रहे हैं, हम उस एज में अब मूव कर रहे हैं जहां पर ये चीज पॉसिबल हो रही है, बट या दैट इज द ड्रीम, ठीक है, कि हमें और ज्यादा इवॉल्व होना है। तो एनएलपी इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो जब आ जाएगा पूरी तरह से हमारी लाइफ में तो इट विल रिवोल्यूशनलाइज द एंटायर ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो दैट इज वाई एनएलपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आज की डेट में हर बड़ी कंपनी एनएलपी के ऊपर पैसा लगा रही है, एनएलपी के ऊपर एफर्ट्स मार रही है कि हम वो पहली कंपनी बने जो एनएलपी को आगे लेके जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं एनएलपी के। सो गाइज अब मैं आपके साथ दो चीजें डिस्कस करूंगा। फर्स्ट कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जो ऑलरेडी कंपनीज अपने प्रोडक्ट में डाल के कस्टमर्स को दे रही हैं, और सेकंड मैं आपको कुछ कॉमन एनएलपी टास्क के बारे में बताऊंगा। अगर आप एनएलपी इंजीनियर बनना चाहते हो तो यही कुछ 10-12 टास्क हैं
जिनको परफॉर्म करके आप बहुत टाइप के एनएलपी एप्लीकेशंस बना सकते हो. तो दीज आर लाइक सम कॉमन टास्क जो हर एनएलपी इंजीनियर को आने चाहिए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस. ओके, अब एप्लीकेशंस तो बहुत सिंपल आपने शायद देखे भी होंगे. ये चैट बॉट्स जो होते हैं, या फिर ये सीरी है, या फिर कॉर्टाना है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं एनएलपी एप्लीकेशंस के ही. बट मैं आपको थोड़े से डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा जिससे आपका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डेवलप हो. सो मुझे पर्सनली जो एक एनएलपी एप्लीकेशन बहुत काइंड ऑफ इंस्पायर करता है और बहुत ही इंट्रीगिंग लगता है, वो है कॉन्टेक्चुअल एडवर्टीजमेंट्स. ठीक है, पहले की दुनिया में, लाइक अगर आप 20-25 साल पहले जाओ, तो मुझे याद है कि हम टीवी पे जब मैचेस वगैरह देखा करते थे तो पूरे इंडिया को सेम एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाते थे. ठीक है, कंपनी का अजम्पशन ये था कि सभी को दिखाओ, किसी ना किसी को तो खरीदना होगा ही. बट आज की डेट में क्या हो गया कि सिंस हमारे पास एनएलपी है, हम प्रोसेस कर सकते हैं कि लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनका उनका पर्सनालिटी कैसा है, तो हम एक्चुअली टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स भी चला सकते हैं. सो अगर आपने नोटिस किया होगा, डिपेंडिंग ऑन योर फेसबुक प्रोफाइल या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आपको अलग एड्स दिखाई देते हैं अपने दोस्त से. ठीक है, ये कैसे होता है? सामने से कंपनी क्या करती है कि वो आपके प्रोफाइल को, आपके पोस्ट को, आपके कमेंट्स को एनालाइज करती है और फिर उसके बेसिस पर डिसाइड करती है कि ओके, ये बंदा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है या फिर ये बंदा कॉस्मेटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है, और आपको उन्हीं चीजों के टारगेटेड एड्स दिखाए जाते हैं. इनफैक्ट अगर मैं आपको सच बोलूं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमें बहुत ट्रैक किया जा रहा है. जैसे अगर मैं व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा चैट करूं किसी टॉपिक के ऊपर और फिर मैं निकल के कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज करूं, तो मुझे एड्स दिखाए जाते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैं अपने दोस्त के साथ चैट कर रहा था. कई बार ऐसा होता है कि मेरा फोन मेरे बगल में पड़ा हुआ है और मैं किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, और फिर जैसे ही मैंने फोन ओपन किया, मुझे उस चीज के बारे में एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है. ठीक है, तो ये सारी चीजों के पीछे जो साइंस है, दैट इज कॉन्टेक्चुअल एडवर्टीजमेंट्स, और वो पावर्ड है एनएलपी के थ्रू. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज ईमेल क्लाइंट्स. अगर आपने यूज किए होंगे जीमेल वगैरह, तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा कि स्पैम फिल्टरिंग वगैरह होती है, कि अगर आपका कोई ईमेल लगता है जीमेल को कि वो स्पैम है, वो ऑटोमेटिकली स्पैम फोल्डर में चला जाता है और नॉर्मल ईमेल्स आपके नॉर्मल फोल्डर में आ जाते हैं. इनफैक्ट अब कुछ नए फीचर्स भी आए हैं जैसे कि स्मार्ट रिप्लाई. सो अगर आपके पास एक ईमेल आया किसी का, तो आप झट से स्मार्ट रिप्लाईज का नीचे आपको सजेशन आता है, और वो सजेशंस इस चीज के बेसिस पे आता है कि आपके ईमेल का कॉन्टेंट क्या है. ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन. द थर्ड एप्लीकेशन इज सोशल मीडिया. वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क इज रिमूविंग एडल्ट कॉन्टेंट. सो अगर आप सोच के देखो, अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तो वहां पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म स्केल कर रहा है अगर करोड़ों यूजर्स में, तो करोड़ों यूजर्स में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसा कॉन्टेंट डाले जो सभी के लिए सही नहीं है, लाइक एडल्ट कॉन्टेंट. तो उसको फिल्टर कैसे करना है, या फिर अगर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें बोल रहा है, हेट स्पीच फैला रहा है, तो इस तरह की चीजों को कैसे ब्लॉक करना है, ये सब कुछ एनएलपी के थ्रू आज की डेट में होता है. ठीक है, सोशल मीडिया पे एक और चीज जो होती है वो है ओपिनियन माइनिंग. सो होता क्या है कि जैसे ट्विटर का एग्जांपल अगर लो, तो ट्विटर पे अगर बहुत सारे लोग मिल करके एक टॉपिक के बारे में एक बात बोल रहे हैं, तो ट्विटर क्या करता है कि उनके ओपिनियन को उठाता है और वो सेंटिमेंट क्रिएट करके उसको अपने नॉलेज के हिसाब से यूज करता है. मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था अपने चैनल पे कि डिपेंडिंग ऑन इलेक्शन के बारे में क्या ट्वीट हो रहा है, ट्विटर को पहले से पता चल जाता है कि कौन सा जो लीडर है वो इलेक्शन जीतेगा, क्योंकि ट्वीट के कंटेंट से समझ में आ रहा है कि कौन से लीडर को लोग ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशंस हैं इसके. द नेक्स्ट वन इज सर्च इंजन्स. गूगल को ही अगर आप देखो, तो पिछले 10-15 सालों में गूगल बहुत इवॉल्व किया है और बहुत सारे नए नए छोटे छोटे फीचर्स आए हैं, और वो सब कुछ पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ एनएलपी. एक छोटा फीचर मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप कोई जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन पूछते हो गूगल से, लाइक व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, लेट्स से, तो अब आपको जाकर के वेबसाइट के अंदर घुस के पता करने की जरूरत नहीं है कि श्रीलंका का कैपिटल क्या है. गूगल वो इंफॉर्मेशन आपके लिए फेच करके जस्ट एक लाइन में दिखा देता है. तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं सर्च इंजन में, वो भी एनएलपी पावर्ड है. इनफैक्ट सर्च इंजन का जो पूरा फंक्शनैलिटी है वो भी बहुत ज्यादा एनएलपी को यूज करता है इंटरनली. ठीक है, वन मोर एग्जांपल इज चैटबॉट्स. जैसा मैंने आपको बताया, आज की डेट में अगर आप लेट्स से स्विगी पे खाना मंगा रहे हो और आपने कुछ आपको पसंद नहीं आया, आप जैसे ही झट से चैट पे जाते हो तो वहां पे चैट बॉट होता है और वो बिल्कुल वैसे बात करता है जैसे कोई कस्टमर एग्जीक्यूटिव बात कर रहा है. तो वो उससे क्या हुआ कि उससे बहुत
ईज हो गया स्विगी को, क्योंकि जिस स्केल पे स्विगी काम कर रहा है, करोड़ों कस्टमर्स को एक साथ हैंडल करना है, वहां पर उतने सारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स बिठाना पॉसिबल नहीं है। तो एक जो चैटबॉट है वो इनिशियल लेवल पे ट्राई करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और फिर अगर नहीं हो पाता है तो फिर वो हमें रीराउट करता है टू द कस्टमर एग्जीक्यूटिव। तो अगेन चैटबॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स इट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्चुअली, और आई वुड एक्चुअली आस्क यू टू थिंक अबाउट दिस। आप बैठ के एक बार सोचो कि आप इतने सारे प्रोडक्ट्स जो यूज करते हो वहां पे क्या एनएलपी यूज हो रहा है। इट्स अ गुड थिंकिंग एक्सरसाइज, आपको थोड़ा और ज्यादा पर्सपेक्टिव मिलेगा एनएलपी के बारे में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ कॉमन एनएलपी टास्क। सिंस हमें एनएलपी इंजीनियर बनना है, हमें एनएलपी सीखना है, तो कुछ कॉमन टास्क हैं जिनको यूज करके ही आप इस तरह के एप्लीकेशंस बनाते हो। तो अराउंड 10 टास्क हैं मेरे पास, मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो कॉमन टास्क है वो है टेक्स्ट या फिर डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो मान लो आपके पास कोई बड़ा सा टेक्स्ट है और आपको उसको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में डालना है। ठीक है, वन एग्जाम्पल कुड बी कि आपके पास एक न्यूज का पूरा टेक्स्ट है और आपको उसको एक कैटेगरी असाइन करनी है, लाइक स्पोर्ट्स या फिर एंटरटेनमेंट या फिर पॉलिटिक्स। बहुत इजीली कर सकते हो यूजिंग टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, द सेकेंड टास्क इज सेंटिमेंट एनालिसिस। ये भी आज की डेट में बहुत यूज होता है ई कॉमर्स में या सोशल मीडिया में। आप क्या करते हो कि आप लोगों के रिव्यूज पढ़ते हो और लोगों के रिव्यू से आप ये इमोशन एक्सट्रैक्ट करते हो कि वो क्या फील कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में या फिर किसी मूवी के बारे में। ठीक है, तो कंपनीज इसको बहुत यूज करती है। लेट्स से मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसपे 1 करोड़ रिव्यूज है। ठीक है, अब अगर मुझे एक एक रिव्यू को पढ़ने बोला जाए तो मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमन आवर्स वेस्ट करने पड़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा ये पता करने में कि लोगों का सेंटिमेंट क्या है मेरे प्रोडक्ट को लेकर के। उससे बहुत इजी है कि आप एक एनएलपी एप्लीकेशन बनाओ जिसमें आप सारे के सारे 1 करोड़ रिव्यूज को फीड करो और वो आपको झट से एक परसेंटेज बता दे कि 80% पीपल आर फीलिंग पॉजिटिव अबाउट योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बहुत पैसा आपको बचा सकता है इफ यू आर अ बिग कंपनी ओनर। ठीक है, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। जैसा आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि अगर आपके पास कोई एक टेक्स्ट है और उसके अंदर से आपको एंटिटीज एक्सट्रैक्ट करनी है, जैसे कि डेट या फिर पर्सन का नाम या फिर प्रोडक्ट का नाम या फिर इवेंट का नाम, कुछ भी इस तरह का इंफॉर्मेशन अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के अंदर आता है। और जो सर्च इंजन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सर्च इंजन्स इंटरनली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को यूज करते हैं। यहाँ पर हम एक फ्यूचर में आगे के वीडियोस में एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम होगा नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, जहाँ पे हम एग्जैक्टली ये काम करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेप है, जहाँ पे आप क्या करते हो कि आपके पास जो टेक्स्ट है आप उसके हर वर्ड को एक पार्ट्स ऑफ स्पीच असाइन करते हो कि वो नाउन है या वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। क्यों ये काम आता है, क्योंकि अगर आप लेट्स से एक चैटबॉट बना रहे हो या फिर एक क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम बना रहे हो तो वहां पर आपको वर्ड बाय वर्ड समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस क्या बोल रहा है। तो उस तरह की एनालिसिस करने में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग बहुत हेल्प करता है, एंड दैट इज वाई दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेप। द नेक्स्ट टास्क इज लैंग्वेज डिटेक्शन एंड मशीन ट्रांसलेशन। सो अगर आपने गूगल ट्रांसलेट कभी भी यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि इट्स सच अ पावरफुल एप्लीकेशन, जहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी बोल करके उसको किसी भी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो इंटरनली इट्स अ एनएलपी टास्क जहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज डिटेक्ट कर रहे हो कि यूजर कौन से लैंग्वेज में इनपुट दे रहा है, और फिर गिवन ऑन द बेस्ड ऑन द आउटपुट कौन से लैंग्वेज में चाहिए आप उसको ट्रांसलेट करते हो उस लैंग्वेज में। तो यहाँ पर डीप लर्निंग यूज होता है, फ्यूचर में जब हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। नेक्स्ट इज कॉन्वर्सेशनल एजेंट्स। जैसा मैंने आपको स्विगी का एग्जाम्पल दिया, दिस इज काइंड ऑफ अ चैटबॉट, बट इसमें 2 तरीके के चैटबॉट्स होते हैं, एक टेक्स्ट बेस्ड एक स्पीच बेस्ड। ठीक है, जैसे सीरी है वो स्पीच बेस्ड है, और ये जो स्विगी वगैरह में आप यूज कर रहे हो वो आपका टेक्स्ट बेस्ड है। ठीक है, तो अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनएलपी एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसको बोला जाता है नॉलेज ग्राफ एंड क्यूए सिस्टम। तो होता क्या है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है चीजों का, तो आप उसके एंटिटीज को आपस में लॉजिकली कनेक्ट करके एक नॉलेज ग्राफ बना सकते हो,
और नॉलेज ग्राफ बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको एक क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम में ट्रांसलेट कर सकते हो. गूगल एक्चुअली इस चीज को बहुत यूज करता है. गूगल का नॉलेज ग्राफ इनफैक्ट शायद दुनिया में सबसे बड़ा है जितना मुझे पता है, और उन्होंने उनसे जिनके पास बहुत बड़ा डेटाबेस था चीजों का, उन्होंने उनमें से इंपॉर्टेंट एंटिटीज को आपस में कनेक्ट करके एक बहुत बड़ा नॉलेज ग्राफ बनाया, जिसकी वजह से आज की डेट में अगर आप इस तरह की क्वेरीज करते हो, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, तो इस तरीके से झट से गूगल आपको आंसर निकाल के दे देता है. ठीक है, तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ एनएलपी. नेक्स्ट इज टेक्स्ट समराइजेशन. ये एक टास्क भी बहुत इंटरेस्टिंग है. सबसे पहले मैंने इसके बारे में पढ़ा था जब मुझे इन शॉर्ट्स बोल के एक न्यूज एप्लीकेशन का पता चला था, तो वो लोग इंटरनली शायद यही यूज करते थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मुझे लगता है कि उन्होंने यही यूज किया होगा कि अगर उनके पास एक फुल फ्लेज्ड आर्टिकल है तो आप क्या कर सकते हो, उसको समराइज कर सकते हो. ठीक है, छोटा फॉर्म दे सकते हो. इन शॉर्ट्स भी यही करता है कि आपको 60 वर्ड्स में एक न्यूज समरी देता है हर न्यूज का. तो अगेन इट इज अ एनएलपी एप्लीकेशन जो आप फ्यूचर में देखने वाले हो. द नेक्स्ट वन इज टॉपिक मॉडलिंग. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है. यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास अगर एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है, तो आप उस टेक्स्ट के अंदर जो अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं आप वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो. जैसे अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट है अबाउट क्रिकेट, तो आप उसको रीड करके ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि वो टॉपिक क्रिकेट, वो जो टेक्स्ट है वो क्रिकेट में किस चीज के ऊपर है. इज इट अबाउट आईपीएल, इज इट अबाउट सचिन. सो ये चीज आप यूज करते हो बहुत सारे अलग अलग जगहों पे. और यहाँ पर इंटरनली आप एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करते हो जिसको हम LDA बोलते हैं. सो अगेन ये वाली चीज हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे. इनफैक्ट आई एम गोइंग टू डू एन एंटायर लेक्चर ऑन टॉपिक मॉडलिंग, सो वहां पे आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा. उसके बाद है टेक्स्ट जनरेशन. आई गेस ये भी आपने बहुत यूज किया होगा कि आज के डेट में आपके पास जो कीबोर्ड्स होते हैं, आप जैसे ही टाइप कर रहे होते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके प्रीवियस टाइपिंग बिहेवियर के बेसिस पे प्रिडिक्ट कर पाता है कि आपका नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए. और हम सभी को पता है कि ये कितना यूजफुल रहता है while chatting with someone. Next is spell checking and grammar correction. So अगर आपने Grammarly जैसा टूल यूज किया होगा तो वो क्या करता है कि अगर आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई टाइपो है या फिर आपने ग्रामेटिकल एरर्स किए हैं, तो वो जल्दी से उसको हाईलाइट कर देगा सो दैट आप उसको इम्प्रूव कर पाओ. तो ये भी एक एप्लीकेशन है. The second last one is text parsing. जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि आपके पास एक सेंटेंस है और आप उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन कर रहे हो सो दैट आप मशीन को समझा पाओ कि उस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, वो क्या मीन कर रहा है. ठीक है, तो अगेन चैटबॉट्स वगैरह बनाने में ये टेक्स्ट पार्सिंग एक इंपॉर्टेंट प्री प्रोसेसिंग स्टेप होता है. इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे फ्यूचर में. एंड द लास्ट वन इज स्पीच टू टेक्स्ट, जहां पर आप कॉन्वर्सेशनल एजेंट्स बनाते हो लाइक सीरी एंड ऑल. और होता क्या है कि आप बेसिकली कुछ बोलते हो और आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो और फिर उस टेक्स्ट को समझने का ट्राई करते हो, और फिर इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, आप रिजल्ट जनरेट करते हो और उसको वापस स्पीच में कन्वर्ट करते हो. ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के डेट में. जब भी आपको मशीन से बात करनी है एंड यू डोंट वॉन्ट टू टाइप, तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज आप यूज करते हो. ठीक है, तो ये कुछ 10-12 मैंने आपको इम्पॉर्टेंट NLP टास्क बताए. फ्यूचर में जब आप NLP इंजीनियर बनोगे और किसी कंपनी में काम करोगे, तो मोस्ट लाइकली आप इनमें से एक दो के ऊपर ही काम करोगे, सभी के ऊपर तो काम करना पॉसिबल नहीं है. बट या मोर और लेस आप इन्हीं 10-12 चीजों के ऊपर काम करोगे, इससे ज्यादा आपको NLP में शायद नहीं पढ़ना होगा. ठीक है, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सारी चीजें बनती कैसे हैं. तो नेक्स्ट मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि आज की डेट में जितनी भी चीजें हम बना पाए हैं NLP में, वो बना कैसे, क्या अप्रोचेस हमने यूज किए उन चीजों को बनाने में. ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. सो गाइज, अप्रोचेस डिस्कस करने के पहले आई विल जस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि हो सकता है कि इनमें से जो भी चीजें मैं आपको बताऊं इस सेक्शन में, वो आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आए, बिकॉज ये सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे. बट फिर भी एक ओवरव्यू लेने के लिए ये जरूरी है, तो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कोर आइडिया. डीप में अभी घुसने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो वी आर डिस्कसिंग कि अभी तक हमने जो भी अचीव किया है NLP के फील्ड में,
वो हमने कैसे अचीव किया, क्या चीजें, क्या टेक्निक्स यूज किए टू अचीव दोज एप्लीकेशंस, टू बिल्ड दोज एप्लीकेशंस. सो तीन अलग अप्रोचेस अभी तक यूज हुए हैं, आई शो यू. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड्स, ठीक है. सेकेंड इज मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल्स, एंड द थर्ड वन इज डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल्स, ठीक है. एनएलपी 1950s में स्टार्ट हुआ था और अराउंड 90s तक, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स तक ह्यूरिस्टिक मेथड्स यूज किए गए. अब ह्यूरिस्टिक मेथड्स क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. उसके बाद 90s से मशीन लर्निंग का एरा स्टार्ट हुआ जो अभी तक भी चल रहा है, और 2010 के अराउंड से डीप लर्निंग का एरा स्टार्ट हुआ जो अगेन अभी भी चल रहा है. तो ये तीनों मेथड्स आज भी यूज होते हैं और तीनों का अपना अपना इम्पैक्ट है. हम एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है. सबसे पहले लेट्स डिस्कस ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस. तो सबसे पहले इस वर्ड के पीछे जाते हैं कि ह्यूरिस्टिक क्या होता है. सो यू कैन सी, अगर आप ह्यूरिस्टिक का मीनिंग देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ ह्यूरिस्टिक टेक्निक इज एनी अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ डिस्कवरी दैट एम्प्लॉयज अ प्रैक्टिकल मेथड दैट इज नॉट गारंटीड टू बी ऑप्टिमल, परफेक्ट और रेशनल, बट इज नेवर द लेस सफिशियंट फॉर रीचिंग एन इमीडिएट शॉर्ट टर्म गोल और अप्रोक्सीमेशन. सो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस का मतलब है जुगाड़ लगाना, ठीक है. मतलब आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना था और आपने उसके लिए एक जुगाड़ लगाया. अब इसमें मोस्टली एनएलपी प्रैक्टिशनर्स ने क्या किया, रूल बेस्ड अप्रोचेस क्रिएट किए, ठीक है. मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ. जैसे कि लेट्स से आपको एक सेंटिमेंट एनालिसिस ऐप बनाना है जहां पे कोई टेक्स्ट के मिलने पे आप उस टेक्स्ट का सेंटिमेंट बताओगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है. अब यहाँ पर एक रूल बेस्ड अप्रोच ये हो सकता है बहुत ही सिंपल सा, कि आप नंबर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स इन दैट टेक्स्ट काउंट करो और नंबर ऑफ नेगेटिव वर्ड्स इन दैट टेक्स्ट काउंट करो, ठीक है. तो इस तरीके के अप्रोचेस को आप ह्यूरिस्टिक अप्रोच के अंडर डाल सकते हो, ठीक है. अब बहुत सारे अलग अलग टाइप के ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस आए पिछले 50-60 सालों में. मैं आपको सबसे फेमस और सबसे ज्यादा यूज होने वाले अप्रोचेस है उनके तीन एग्जांपल्स दूंगा. इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है रेगुलर एक्सप्रेशंस. अगर आपने पाइथन में थोड़ा भी कोडिंग किया होगा तो शायद आपको पता होगा कि पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशंस, या फिर फॉर दैट मैटर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रेगुलर एक्सप्रेशन का एक फीचर होता है. सो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है कि आप एक टेक्स्ट फॉर्म करके किसी भी पैटर्न का टेक्स्ट को एक दूसरे टेक्स्ट में खोज सकते हो. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जब हम टेक्स्ट किसी वेबसाइट से स्क्रेप करेंगे तो मुझे वहां पे एचटीएमएल टैग्स मिलेंगे, तो मुझे वो एचटीएमएल टैग्स नहीं चाहिए, ठीक है. अब एचटीएमएल टैग्स अलग अलग टाइप के होते हैं, मुझे क्या करना है कि गिवन टेक्स्ट में सारे एचटीएमएल टैग्स को रिमूव करना है. तो ये काम मैं बहुत इजीली किससे कर सकता हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन से, ठीक है. या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हो कि मुझे एक पूरे के पूरे पैराग्राफ में सैल्यूटेशंस खोजना है, मिस्टर खोजना है, मिसेस खोजना है, मास्टर खोजना है, डॉक्टर खोजना है, पीएचडी खोजना है. तो इस तरह का पैटर्न को खोजने के लिए भी मैं रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज कर सकता हूँ. सो जो इनिशियल अप्रोचेस थे एनएलपी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ टूल था जो एनएलपी प्रैक्टिशनर्स बहुत यूज करते थे, ठीक है. हम भी इस कोर्स में एटलीस्ट एक सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि एनएलपी में रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे यूज किया जाता है, ठीक है. इसके अलावा एक और अप्रोच जो बहुत फेमस हुआ वो था वर्डनेट, ठीक है. अब वर्डनेट क्या है, वर्डनेट इज बेसिकली अ लेक्सिकल डिक्शनरी, ठीक है. सो एक नॉर्मल डिक्शनरी में आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एक वर्ड, उसका मीनिंग, उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स. एक लेक्सिकल डिक्शनरी जैसा कि वर्डनेट है, इसमें आप क्या करते हो कि आप एक वर्ड का जो भी रिलेशनशिप्स पॉसिबल है दूसरे वर्ड्स के साथ, उसको आप बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करते हो, ठीक है. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. जैसे रन और जॉग, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है कि दोनों सिमिलर है, ठीक है. फिर शूज और रन में क्या रिलेशनशिप है कि वाइल रनिंग यू यूज शूज. तो इस तरह के जितने भी मैपिंग्स होते हैं ना, वो मैपिंग्स पहले से बना के इस डिक्शनरी में रख लिए गए, सो दैट अगर आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके का एनएलपी एप्लीकेशन बनाना है, लेट्स से आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, या फिर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग कर रहे हो, या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स एनएलपी एप्लीकेशन बना रहे हो, वहां पर आपको ये वर्डनेट बहुत हेल्प करेगा, ठीक है. तो एक वर्डनेट है एनएलटी के लाइब्रेरी में, हम उसको यूज भी करेंगे ड्यूरिंग दिस कोर्स, बट इस पॉइंट पे बस समझ लो कि ये एक बहुत काम की चीज हुई.
थर्ड वन इज ओपन माइंड कॉमन सेंस। ये एक काइंड ऑफ कम्युनिटी बोल सकते हो आप बना, जहां पर लोगों ने एक जितने भी फैक्ट्स होते हैं ना लैंग्वेज में, जितने भी फैक्ट्स होते हैं उनको काइंड ऑफ स्टोर करना शुरू किया। और ये ओपन सोर्स था एक तरीके से कि दुनिया भर में कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। जितने भी कॉमन सेंसिकल फैक्ट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आप यहाँ पे स्टोर करते जा रहे हो, सो दैट एक बहुत बड़ा डेटाबेस बन जाए कॉमन सेंसिकल फैक्ट्स का। सो दैट जब आप एनएलपी सिस्टम्स बनाओ तो आप उस डेटाबेस में देख करके अपना इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर पाओ। ठीक है, तो इस तरीके का ही काम होता था। मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल्स दिए, और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप थोड़ा पढ़ोगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। अब सवाल ये आता है कि एडवांटेज क्या होता है ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस का। देखो, ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दीज आर क्विक अप्रोचेस, आपको जल्दी से जल्दी चीजों का आंसर मिलता है, और ये बहुत एक्यूरेट भी होता है। मतलब यहाँ पे एरर आने का चांसेस थोड़ा कम होता है, बिकॉज आपने एक इंसान को बिठा करके रूल्स बनाए हैं तो वो फेल करें ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या आज के सिनेरियो में भी ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस यूज होते हैं? द आंसर इज यस। फ्यूचर में जब हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग बेस्ड टेक्निक्स देखेंगे एनएलपी के डोमेन में, वहां पर यू वुड रियलाइज कि हम कई बार ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस का भी हेल्प लेंगे। ठीक है, सो आज भी इसकी जरूरत है और इसका यूज होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड अप्रोच। द सेकेंड अप्रोच इज मशीन लर्निंग अप्रोच। जैसे ही 90s में मशीन लर्निंग का काइंड ऑफ रेवोल्यूशन आया तो उसने एनएलपी को भी इम्पैक्ट किया। जिस तरीके से हम बाकी टाइप के डेटा के साथ काम करते हैं मशीन लर्निंग में, सिमिलरली आप टेक्सचुअल डेटा में भी काम करते हो। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस व्हाट इज द बिग एडवांटेज मशीन लर्निंग वाले अप्रोचेस का, ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस के ऊपर क्या एडवांटेज था। एडवांटेज बहुत सिंपल था और बहुत इम्पैक्टफुल था। एडवांटेज ये था कि ह्यूरिस्टिक अप्रोचेस में आप रूल्स बनाते हो। अब कुछ ऐसे ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पे रूल्स बनाना उतना पॉसिबल ही नहीं है किसी ह्यूमन बीइंग के लिए, बिकॉज देर आर टू मेनी रूल्स, बहुत प्रॉब्लम बहुत ओपन एंडेड है। तो उस तरह के सिचुएशन में मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस काम आते थे, क्योंकि मशीन लर्निंग अप्रोचेस में जो रूल्स हैं वो आपके एल्गोरिदम इंटरनली बनाते हैं। जो भी रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच में, वो डेटा को देख करके डिसाइड किया जाता है, ना कि एक जनरल रूल बनाया जाता है। तो इसलिए मशीन लर्निंग बहुत जो ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स आने लग गई एनएलपी के अंदर, उनको सॉल्व करने में बहुत काम आने लगा, और धीरे धीरे इट बिकेम द गो टू अप्रोच टू सॉल्व एनएलपी प्रॉब्लम्स। अभी भी ह्यूरिस्टिक अप्रोचेज यूज होते हैं, बट मशीन लर्निंग वाले अप्रोचेज ज्यादा पावरफुल और ज्यादा वाइड वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो कि इंटायर वर्कफ्लो होता क्या है, कैसे आप एक एनएलपी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। इट्स क्वाइट सिमिलर। आपको क्या करना होता है, आपको टेक्सचुअल डेटा को नंबर में कन्वर्ट करना होता है, जिसको हम टेक्स्ट वेक्टराइजेशन बोलते हैं। फिर उस नंबर को आप एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में देते हो, और फिर उस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का जो भी आउटपुट है उसको आप इवैल्यूएट करते हो, एंड दैट्स इट। जो एक टिपिकल मशीन लर्निंग नॉर्मल डेटा के ऊपर की जाती है, बिल्कुल सेम तरीके से आप टेक्सचुअल डेटा के ऊपर भी करते हो। इनफैक्ट हो सकता है आपने कोई ना कोई इस तरह का फ्लो यूज भी किया हो, शायद आपने ईमेल स्पैम फिल्टर बनाया हो, या फिर इस तरह के कुछ और प्रोजेक्ट्स किए हो जहां पे मशीन लर्निंग टेक्सचुअल डेटा पे काम कर रही हो। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो कि कौन से एल्गोरिदम से जो हमें पढ़ने चाहिए। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले एल्गोरिदम्स, मैं उनका नाम आपको बताता हूँ। सबसे पहला है नाइव बेस्ड प्रोबेबिलिटी बेस्ड एल्गोरिदम, जो टेक्सचुअल डेटा के ऊपर बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। सेकेंड इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अगेन एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम जो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। थर्ड इज एसवीएम, यूनिवर्सली पावरफुल एल्गोरिदम। थर्ड इज एलडीए। एलडीए इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क कॉल्ड टॉपिक मॉडलिंग। ठीक है, उसमें ये यूज होता है, हम फ्यूचर में इसके ऊपर पढ़ेंगे, काम करेंगे। एंड द लास्ट वन इज हिडन मार्कोव मॉडल्स। सो कभी कभी आप जैसे पीओएस टैगिंग जो मैंने आपको बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, वहां पे हिडन मार्कोव मॉडल्स यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चार पांच एल्गोरिदम्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज द मशीन लर्निंग वाला अप्रोच। नाउ लेट्स डिस्कस डीप लर्निंग के अप्रोचेस। सो अगेन, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि डीप लर्निंग का ऐसा क्या एडवांटेज है ओवर मशीन लर्निंग की डीप लर्निंग को यूज किया जाने लगा। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बिग एडवांटेज। डीप लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस का दो बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवर मशीन लर्निंग अप्रोचेस, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। द फर्स्ट एडवांटेज इज कि मशीन लर्निंग वाले अप्रोचेस में हम टेक्सचुअल डेटा को नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो
मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन है उस टेक्स्ट का वो लूज हो जाता है, ठीक है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इस तरीके से डिजाइंड है कि दे डोंट केयर द सीक्वेंशियल, दे डोंट केयर अबाउट द सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द टेक्स्ट। बट डीप लर्निंग बेस्ड जो मॉडल्स हैं वो इस सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन को भी यूज करते हैं, ठीक है। मतलब सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन लेफ्ट टू राइट होता है इंग्लिश में, दिस इज माई हाउस, तो ये सीक्वेंस मैटर करता है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हाउस इज दिस माई, राइट। तो ये सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाना डीप लर्निंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिससे सडनली से जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आने लग गए, ठीक है। सेकेंड जो सबसे बड़ा एडवांटेज है डीप लर्निंग का, कि यहाँ पर आपको फीचर जनरेशन जो होता है वो ऑटोमेटिकली आपका डीप लर्निंग मॉडल करता है, वेयर एज मशीन लर्निंग में वो आपको खुद से बनाने पड़ते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। अब अगर आप पूछो कि कौन से आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा यूज होते हैं डीप लर्निंग में, तो आई वुड से सबसे ज्यादा यूज होने वाला तो नहीं, बट सबसे पहले जो यूज हुआ दैट वाज आरएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जो सीक्वेंशियल डेटा के ऊपर बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देता है, बीट भी टेक्सचुअल डेटा और टाइम सीरीज डेटा, ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। इसका बस एक ही प्रॉब्लम है कि अगर आप बहुत लंबा कॉन्टेक्स्ट या बहुत लंबा सेंटेंस प्रोवाइड करते हो तो ये उसके अंदर का कॉन्टेक्स्ट रिटेन नहीं कर पाता। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए LSTM आया, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसका खासियत ये है कि ये बड़े बड़े सेंटेंसेस का भी कॉन्टेक्स्ट रिटेन कर पाता है। इसका मेमोरी वाला जो फैक्टर है वो बेटर था RNN से, इसीलिए आज की डेट में ज्यादातर जो NLP एप्लीकेशंस बनते हैं डीप लर्निंग में वो LSTM बेस्ड होते हैं, ठीक है। द थर्ड आर्किटेक्चर इज GRU, GRU, गेटेड रिकरेंट यूनिट, और इसको बहुत यूज किया जाता है फॉर टेक्स्ट जेनरेशन, ठीक है। देन देर इज CNN, CNN इज एक्चुअली मेनली यूज फॉर इमेज क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा, बट कुछ सर्टेन NLP एप्लीकेशन में आप देखोगे कि CNN भी यूज किया जाता है, ठीक है, लाइक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। उसके बाद आए ट्रांसफॉर्मर्स 2015 में, और उसके बाद से चीजें एकदम ही रिवॉल्यूशनलाइज हो गई। ट्रांसफॉर्मर्स की खासियत यह है कि वो स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पे अटेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब अटेंशन क्या होता है और कैसे प्रोवाइड किया जाता है, हर वर्ड का कॉन्टेक्स्ट कैसे अलग निकाला जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे बहुत आगे जब हम डीप लर्निंग वाला पार्ट कवर करेंगे। बस यूं समझ लो कि ट्रांसफॉर्मर्स के आने के बाद NLP जो होता था डीप लर्निंग में वो एकदम काइंड ऑफ बूस्ट मिल गया उसको, और बहुत सही मॉडल्स आने लग गए। आज की डेट में जितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स हैं वो सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर बेस्ड हैं। आपने शायद नाम भी सुना होगा, बर्ट, शायद आपने नाम सुना होगा, इट इज वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स जो गूगल ने ट्रेन किया है, 40 GB डेटा जो था इंटरनेट का उसके ऊपर, और उसको फिर ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू यूज करते हो आप बहुत सारे NLP एप्लीकेशन में, ठीक है। लास्टली एक और आर्किटेक्चर जो आप यूज करते हो वो है ऑटो इनकोडर्स, और इट्स बेसिकली अ सेट ऑफ टू न्यूरल नेटवर्क्स जो LSTM बेस्ड होते हैं मोस्टली, और एक होता है एनकोडर, एक होता है डिकोडर, और इस आर्किटेक्चर को बहुत यूज किया जाता है फॉर मशीन ट्रांसलेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो यही है पूरा का पूरा जो आपका लैंडस्केप है NLP का, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं वो इन्हीं तीन अम्ब्रेला कैटेगरीज में आती हैं, और आपको यही तीनों चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब अगर आपको इनमें से कुछ चीजें समझ में नहीं भी आई तो इट्स ओके, मतलब जरूरी नहीं है कि आप 100% समझ के निकलो। मैं बस आपको एक ओवरव्यू देना चाहता था, एंड उसमें अगर आपको कुछ चीजें मिस हो रही हैं इट्स कंप्लीटली फाइन। अब अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस्ड NLP प्रैक्टिशनर से बात करोगे ना, तो वो आपको एक ही बात बोलेगा कि यार NLP करना बहुत डिफिकल्ट है, NLP को अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है, और ये बात सही है। NLP इज वन ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज जिसको अलग अलग एप्लीकेशन एरियाज में लगा पाना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि चैलेंजिंग काम क्यों है? चैलेंजिंग काम इसलिए है कि NLP अप्लाई होती है नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर, और नेचुरल लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो सालों साल इवॉल्व हुई है, और कई बार कुछ वियर्ड चीजें आपको नेचुरल लैंग्वेज में देखने को मिलेंगी। अब वो जो वियर्ड चीजें हैं वो हम तो समझ पाते हैं, इंसान लोग एक दूसरे से बात करते हुए समझ पाते हैं, बट मशीन्स को वो वियर्ड पार्ट समझा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब आप क्यूरियस हो रहे होंगे कि ऐसा कौन सा वियर्ड पार्ट है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको इनफैक्ट 8 एग्जाम्पल्स देता हूँ
जहां पे आपको समझ में आएगा कि क्यों नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अप्लाई कर पाना चैलेंजिंग काम है। अब उससे ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, बट मुझे ये 8 पॉइंट्स क्लियरली दिखाई देते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट वन। पॉइंट वन इज एम्बिग्युइटी। कई बार ऐसा होगा कि आप जो सेंटेंसेस बोलते हो उसका एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है। अब सिंस हम ह्यूमन बीइंग्स इतने इवॉल्व्ड हैं कि हम तो समझ पाते हैं कि कौन सा मीनिंग सही है, बट मशीन्स को ये समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इनफैक्ट दो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज आई सॉ द बॉय ऑन द बीच विथ माय बाइनोकुलर्स। अब इस सेंटेंस में दो मीनिंग्स हो सकती है। एक मीनिंग ये है कि मैंने बीच के ऊपर एक लड़के को देखा जिसने जिसके पास मेरे बाइनोकुलर्स थे, या फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि मैंने अपने बाइनोकुलर्स से दूर बीच पर एक लड़के को देखा। अब इनमें से कौन सा मीनिंग है ये पूरे पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट से मुझे तो समझ में आ जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा, बट एक मशीन को समझा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नेवर टेस्टेड अ केक क्वाइट लाइक दैट वन बिफोर, ठीक है। अब ये सेंटेंस पढ़ के और बंदे के टोन से मुझे क्लियरली समझ में आ जाएगा कि उसको केक कैसा लगा, बट इस सेंटेंस को पढ़ के किसी NLP बेस्ड सॉफ्टवेयर को ये समझ में नहीं आएगा कि उस बंदे को केक अच्छा लगा या खराब लगा, ठीक है। तो एम्बिग्युइटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड गेस व्हाट, हम डे टू डे बेसिस पे जो बातचीत करते हैं ना उसमें बहुत बार एम्बिग्युइटी रहता है, ठीक है। द सेकेंड रीजन बिकॉज ऑफ विच NLP इज चैलेंजिंग इज कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स, ठीक है। मतलब सेम वर्ड है बट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग अलग हो जाता है, ठीक है। अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल। द एग्जांपल इज दिस, आई रैन टू द स्टोर बिकॉज वी रैन आउट ऑफ मिल्क। मतलब तो बहुत सिंपल है कि मैं दुकान की तरफ दौड़ा बिकॉज हमारे घर पे दूध खत्म हो गया था, बट अगर आप नोटिस करो तो रैन जो वर्ड है वो 2 बार यूज हो रहा है सेंटेंस में, और दोनों बार इसका मीनिंग अलग अलग है। अब एज अ ह्यूमन बीइंग फॉर मी इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, बट फॉर अ मशीन दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड रीजन। थर्ड इज कोलोक्विलिज्म एंड स्लैंग। सो बेसिकली होता क्या है कि हमारे डेली के बातचीत करने के तरीके में कुछ कॉमन नॉलेज छुपा होता है जो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। सो मैं बोलूंगा कुछ और, उसका मतलब कुछ और है जो हम दोनों को पता है, तो हम दोनों समझ सकते हैं, बट मशीन्स को समझा पाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल है पीस ऑफ केक। तो मैं बोलूंगा या दिस टास्क इज अ पीस ऑफ केक। अब मुझे पता है कि पीस ऑफ केक का मतलब कि ये काम आसान है, मैं इजिली कर दूंगा, और ये आप भी समझ जाओगे जैसे आप पीस ऑफ केक सुनोगे, बट मशीन को एक्चुअली कंफ्यूजन हो जाएगा कि दिस टास्क इज अ पीस ऑफ केक, तो क्या सच में वो पीस ऑफ केक है, ठीक है। तो दैट इज डिफिकल्ट। सेकंड एग्जांपल इज पुलिंग योर लेग। अब उसमें आपको समझ में आ रहा है कि टांग खींचने का मतलब होता है मतलब मजाक उड़ाना या उस तरीके का कुछ, बट अगेन अगर आप लिटरल सेंस में जाओ इस सेंटेंस के तो इट मींस कि आप सच में किसी की पैर को खींच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है, और इस तरह के बहुत सारे आपको फ्रेजेस मिलेंगे, इनको idioms बोला जाता है, और हमारे लैंग्वेज में ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है, और मशीन्स को समझा पाना डिफिकल्ट हो जाता है। द नेक्स्ट इज synonyms। synonyms मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम होता है। अब सेम मीनिंग है तो एक ही वर्ड रखो, बट हम क्या करते हैं कि हम और अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए वी समटाइम्स यूज सिनोनिम्स, ठीक है। तो जबरदस्ती का टास्क और डिफिकल्ट हो जाता है मशीन के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज आयरनी सार्कैज़म एंड टोनल डिफरेंस, ठीक है। तो हम बोलना कुछ चाह रहे हैं बट हम कुछ और बोल रहे हैं, तो दैट इज वियर्ड, ठीक है। कई बार आपके टोन के डिफरेंस की वजह से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। जैसे कि ये एग्जाम्पल ले लो, मान लो आप आपका इंटरव्यू है और आप घर से निकले और आपकी क्रश ने आपको देख करके ऑल द बेस्ट बोल दिया, तो यू वुड बी हैप्पी एंड यू वुड बी सेइंग विद दिस टोन, दैट्स जस्ट व्हाट आई नीडेड टुडे, ठीक है। सेकंड सिनेरियो, आप घर से निकले और एक कौवे ने आपके ऊपर पॉटी कर दिया, और आप एक डिफरेंट टोन में बोलोगे दैट्स जस्ट व्हाट आई नीडेड टुडे, ठीक है। तो अगेन टोनल डिफरेंस की वजह से सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, बट अगेन हम ह्यूमन बींग्स ये समझ सकते हैं, बट मशीन्स के लिए डिफिकल्ट है, ठीक है।
द नेक्स्ट वन इज स्पेलिंग एरर्स. बहुत ईजी है, कई बार हम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, वहां पे एक दो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, और सिंस हमें पता है कि एक्चुअल वर्ड क्या होगा, क्योंकि क्लोज वर्ड क्या है हमारा दिमाग समझ लेता है, तो हम फिर भी वो पैराग्राफ रीड कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझ पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं. बट फॉर अ मशीन, जैसे ही स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, अब वो नहीं समझ सकता कि उस वर्ड का क्या मीनिंग है, क्योंकि गलत वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता. ठीक है, तो अगेन ये भी एक चैलेंजिंग काम है. नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी. ये भी बहुत चैलेंजिंग काम है. बहुत सारा जो टेक्स्ट आपको मिलेगा, हम पोएम्स पढ़ते हैं, हम डायलॉग्स लिखते हैं, हम स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, तो उस तरह का कंटेंट मशीन को समझा पाना थोड़ा चैलेंजिंग है. बिकॉज बहुत बार क्या होगा कि पोएम्स की अगर आप बात करो तो बिहाइंड द सीन्स एक सब टेक्स्ट चल रहा होता है, पूरे टाइम बात कुछ और हो रही होती है और वो किसी और चीज के बारे में बात हो रही होती है. मतलब दैट इज वियर्ड. मतलब वर्ड से कुछ और मतलब निकल रहा है, बट पीछे की साइड कुछ और चल रहा है. तो आई होप आपको समझ में आ रहा है. इस तरह की चीजें मशीन को समझा पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. और लास्टली, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, देर आर सो मेनी लैंग्वेजेस. मतलब जितना मुझे पता है, शायद 5-7 हज़ार लैंग्वेजेस है पूरी दुनिया में. उन सबको समझ पाना, हर किसी का ग्रामर को डीकोड कर पाना, और हर चीज को समझ के उसके लिए एनएलपी एप्लीकेशन बना पाना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. आज के रेट में फिर भी जो मेजर लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, उनके ऊपर थोड़ा सा हमने काइंड ऑफ कमांड किया है. बट अगर आप बोलोगे कि किसी लैंग्वेज के एकदम लोकल डायलेक्ट में जाकर के आप कोई एनएलपी एप्लीकेशन बना पाओ, दैट इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग. बिकॉज अगर वो बहुत रेयर काइंड ऑफ लैंग्वेज है तो आपको इनफ डेटा ही नहीं मिलेगा अपने मशीन को ट्रेन करने के लिए. तो इस तरह के चैलेंजेस हैं. अभी आज की डेट में हम शायद 5% पे होंगे एनएलपी के, जो उसका ट्रू पोटेंशियल है, वहां से हम सिर्फ 5% ही शायद अभी रीच कर पाए हैं, और 95% इसलिए बाकी है बिकॉज इस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने हैं. ठीक है, तो आई वॉन्टेड टू डिस्कस दिस बिकॉज एज एन इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन एनएलपी प्रैक्टिशनर और इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की चैलेंजेस आपको रास्ते में मिलेंगी, और शायद फिर ग्रेजुअली आप समझ पाओ कि इसको सॉल्व कैसे करना है. सो दैट वॉज द वीडियो गाइज. आई होप आपको पसंद आया और आपको एनएलपी के बारे में एक बेसिक लेवल इंट्रोडक्शन समझ में आया. अब मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में बोला था कि मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, तो ऑल दो हमने जो भी पढ़ा बहुत ही थ्योरेटिकल था, तो यहाँ पर एग्जैक्टली कुछ कोडिंग रिलेटेड असाइनमेंट्स तो पॉसिबल नहीं है. बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग असाइनमेंट देता हूँ. आपका असाइनमेंट ये है कि आपको, आपने जो पूरा वीडियो देखा, आपको एक ब्लॉग लिखना है medium.com पे बाय द टाइटल द एनएलपी लैंडस्केप फ्रॉम 1960s टू 2020s. ठीक है, और उसमें आपने जो भी इस वीडियो में पढ़ा और थोड़ा बहुत रिसर्च आप और करो साइट से, बट एक ब्लॉग लिखो अबाउट एनएलपी एंड इट्स हिस्ट्री. ठीक है, और अगर हो सके तो आप उसको लिंक्डइन पे पब्लिश करो, मेरे को भी टैग करो, मैं भी देखूंगा आपने क्या लिखा है. ठीक है, सो अगेन, अगर आप सीरियस हो तो यू कैन डू दिस असाइनमेंट, अदरवाइज आगे मैं आपको थोड़े और कोडिंग रिलेटेड जो असाइनमेंट्स आप, जिनको आप कन्वेंशनली असाइनमेंट बोलते हो, वो वैसे असाइनमेंट्स दूंगा. बट या, इस वीडियो के लिए दिस इज द असाइनमेंट. ठीक है, नाउ वन लास्ट रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत एफर्ट लग रहा है बनाने में, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. विल मीट नेक्स्ट थर्सडे विद द सेकेंड लेक्चर. ठीक है, बाय.